अस्सलाम वालेकुम, कैसे हमारे यूट्यूब के फैमिली में, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आए हैं, देगी कोरमा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 750 ग्राम चिकन, 3 पाव चिकन। आप इसे अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। इसको हमने हल्का सा फेंट लिया है, ये हम इसमें पूरा ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। आप फ्रेश लीजिएगा, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट। हमने यहाँ पे नमक 1.5 टीस्पून लिया है। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इन सब स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल। आपने सारा मसाला लगाने के बाद ऑयल ऐड करना है, ताकि मसाला पहले चिकन को अच्छे से लग जाए। यहाँ पे हमने डाल दिया 1/2 कप ऑयल। ये हमने प्याज का ऑयल लिया है, जो कि इसमें फ्राई करके हम ऐड करेंगे आगे जाके। आप इस सारे ऑयल को अच्छे से मिक्स कर दें। अब हम इस चिकन को कवर करके फ्लेम, मीडियम फ्लेम पे हम रख देंगे पकने के लिए। जब तक हमारी चिकन कुक हो रही है, आप इस वीडियो को कर दें लाइक, शेयर एंड कमेंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो मिल जाए। अब हम चिकन में कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसके लिए हमने लिए हैं 2 अदर तेज़पत्ते, 12 से 15 हमें इसमें काली मिर्च के दाने लिए हैं, 4 लौंग, 4 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटे टुकड़े जावित्री के, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का, 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, और 2 मीडियम साइज़ के हमने लिए हैं सिनेमन स्टिक, दालचीनी के टुकड़े। यहाँ पे हमने बड़ी इलायची के छिलकों को हटा दिया, हमें सिर्फ इसके दाने ही चाहिए। ये देखें, हमने इसको रिमूव कर दिया है, हमें सिर्फ इसके बीज ही चाहिए। अब यहाँ पे हम लेंगे ग्राइंडर, और ग्राइंडर में हमें सब मसाले डाल देने हैं सिवाय तेज़पत्ते के। इस मसाले को हम ग्राइंड कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इसको हमने बारीक स्लाइस करके फ्राई कर लिया है। 12 से 15 हमने बादाम लिए, जिसे बॉईल करके हमने इसका छिलका उतार लिया है। हमने इसका पेस्ट बनाना है, दरदरा सा। आप इसमें 2 से 3 चम्मच पानी के ऐड करके इसका दरदरा सा पेस्ट रेडी कर लीजिएगा। हमारे चिकन को 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। हमने इसमें चम्मच चला के 2 तेज़पात इसमें ऐड कर देने हैं, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम इसे मज़ीद 5 मिनट और पकाएंगे। यहाँ पे हमारे चिकन को टोटल 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। अब बारी है इसमें वो सारी चीज़ें ऐड करने की, जैसे हमने ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे हमने प्याज और बादाम का दरदरा सा जो पेस्ट बनाया था, हमने इसमें वो ऐड कर दिया। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये स्पाइसेस, जिन्हें हमने ग्राइंड कर लिया था। हमने फ्लेम को हाई कर लिया है, और इस स्पाइसेस को हम ऐड करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी रेडी होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इसे दावत में ज़रूर बनाइएगा। इन सारे स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद हमने इसको दम पे पकाना है 5 मिनट। आप इसको कवर कर दीजिएगा, और इसकी फ्लेम को लो करके हम इसे पकाएंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। यहाँ पे चिकन को 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। देखिए, मज़ेदार सा हमारा कोरमा रेडी हो चुका है। आपको इसकी थिकनेस चेक करवाते हैं, देखें इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। अगर आपको लूज़ ग्रेवी पसंद है, तो आप इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर सकते हैं, और आपका मज़ेदार सा कोरमा रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हम फ्लेम को टर्न ऑफ कर देंगे। जब आप फ्लेम को टर्न ऑफ कर देंगे, आपने इसमें डालने हैं 2 कतरे केवड़ा एसेंस के। हमारा क्लिप मिस हो चुका है, आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे इसकी खुशबू और मज़ा बढ़ जाता है। आप इसे किसी भी अच्छे से खूबसूरत से बर्तन में डिश आउट करें, और इसे गार्निश कर दें अदरक, धनिया और बादाम से, जिससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। देखिए, मज़ेदार सा देगी कोरमा तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार होता है, और इसकी खुशबू लाजवाब होती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।